नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 3 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। पहला स्टॉक रहेगा मझगांव डक। मझगांव डक की अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी में देखा, मतलब जैसे ही ONGC की तरफ से इस कंपनी को ऑर्डर मिला, स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। मतलब देखा है तो ऑर्डर के बाद इस स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों बहुत सारे ट्रेडर्स ने, हो सकता है कि इस कंपनी को टॉप पे बाइंग किया, क्योंकि दोस्तों कुछ दिनों पहले ही हमने वीडियो बनाया था कि ये कंपनी हो सकता है कि आने वाले समय 2500 के लेवल तक जा सकती है। तो आने वाले समय दोस्तों ये 2500 नहीं 5000 भी जाएगी। इससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। वहीं पे अगला स्टॉक रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो ये कंपनी देखा जाए तो देखिए 3000 प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने तो इस कंपनी का टारगेट 3000 रुपये पहले ही दे दिया। अगर मैं अभी ब्रोकरेज की बात करूँ दोस्तों तो ब्रोकरेज आज जो है कि 3000 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। हालांकि दोस्तों आने वाले समय में बहुत सारे नॉर्मल ट्रेडर जो है दोस्तों इस कंपनी को 5000 की प्राइस पर बाइंग करेंगे, ऐसा जो कि मैं बता रहा हूँ। हालांकि तो कोई मैं बहुत बड़ा एनालिस्ट या कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों मार्केट है, मार्केट को प्रिडिक्ट करना मतलब किसी के बस की बात नहीं होती है। आने वाले समय दोस्तों ये तो जाहिर सी बात है कि कंपनी की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। मतलब कुछ दिनों तक अगर कंपनी को कुछ ऑर्डर भी ना मिले दोस्तों तो कोई ऐसे पैनिक वाली बात नहीं। मतलब देखा है तो कंपनी के पास इतने ऑर्डर्स बुक्स पड़े हैं कि जो कि उसको ये कंपनी कई सालों तक फुलफिल करती रहेगी। हालांकि दोस्तों वहीं पर अभी इस समय जो कि देखा है तो ट्रेडिंग वाला स्टॉक आप कह सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक। भारत इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है दोस्तों कि आने वाले समय 200 के लेवल को भी टच कर सकती है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँ। स्टॉक हमारा मझगांव डक है दोस्तों। मझगांव डक की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2% के ऊपर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं दोस्तों, अगर मैं वहीं पे 5 दिन की बात करूँ तो 5 दिन में आप देखें तो 3.5% के आसपास आपको तेजी देखने को मिलेगी। इसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे न्यूज़ भी देख सकते हैं कि कंपनी को मतलब देखा जाए तो 5% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। कब की न्यूज़ दोस्तों, एक दिन पहले की न्यूज़ देखने को 1145 करोड़ का, जो कि ONGC की बात करें दोस्तों। तो ये एक मतलब आप कह सकते हैं कि ऑयल कंपनी है, जिसके कुछ मतलब कि अगर मैं पुराने प्रोडक्ट की बात मतलब पुराने कुछ रिप्लेसमेंट की बात करूं दोस्तों, जो पाइपलाइन से है दोस्तों उसको रिप्लेसमेंट करने का इस कंपनी को मतलब देखा जाए तो मतलब 1145 करोड़ का ऑर्डर मिला। जैसे ही ऑर्डर मिले दोस्तों 5% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। उसके बाद अभी देखा है तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों इसके पीछे अगर मैं रीजंस की बात करूँ तो देखिए, सबसे पहले तो इस कंपनी में 75:25 का रेशियो, जो कि कुछ फुलफिल करो या ना करो दोस्तों, देखिए कोई कंपलसरी नहीं है। ऐसा हमने देखा था कि 3 साल के लॉकिंग पीरियड जो होते हैं दोस्तों, उसके पूरा होने के बाद हो सकता है कुछ मार्केट में ऐसे शेयर्स अवेलेबल हो जाते हैं जो कि ट्रेडिंग पर्पज़ से मतलब कि फ्लैक्चुएट होते हैं। लेकिन ऐसे देखा जाए दोस्तों तो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से कि मतलब इसमें जो एक OFS दोस्तों, मतलब कि आने वाले समय गवर्नमेंट कुछ न कुछ अपने स्टेक को सेल करेगी ही करेगी दोस्तों। अभी इस कंपनी के ऊपर फोकस नहीं है, लेकिन हाँ जिस हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारी कंपनियों में देखा गया दोस्तों रिसेंट में, तो आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी से रिलेटेड भी ऐसे न्यूज आ सकते हैं। हालांकि अभी तक कुछ भी आया नहीं, यही सारा न्यूज आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। हालांकि दोस्तों देखिए, बाइंग करना है नहीं करना दोस्तों इससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव की बात करूँ दोस्तों, इस कंपनी में अपने को एक पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि 40% के ऊपर दोस्तों, मतलब कि बहुत दिनों के बाद, मतलब देखिए जो मैं इस कंपनी को मतलब कि जिस हिसाब से जस्टिफाई करता हूं दोस्तों, कि इस कंपनी में जिस समय ज़्यादा वैल्यूम बनेगा उस समय एक छोटा सा देखा है तो परसेंटेज में माल उठाया जाएगा, लेकिन जिस समय कम वैल्यूम बनेगा दोस्तों एक अच्छा खासा माल भी उठाया जाता है। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों, हो सकता है मतलब कि जो नॉर्मल अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात करूँ तो ये तो मतलब कि देखा जाए तो पहली बात तो अप्स एंड डाउन्स नहीं करा सकते, इनके बस की बात नहीं है। बड़े इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो वो हो सकता है कि गिरावट में कुछ मतलब कि बाजी मारी हो। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों कि अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे ही अपडेट आता है मार्केट में, कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है 1145 करोड़ का। किससे रिलेटेड दोस्तों, PRPP की बात करें, जो कि पार्ट रिप्लेसमेंट पाइपलाइन प्रोजेक्ट है दोस्तों, जिसके कारण स्टॉक में अपने को तेजी देखने को मिली। न्यूज़ की बात करें तो 8 दिसंबर को ही देखने को मिलेगा। अभी स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है, सबसे पहले दोस्तों देखिए, अगर किसी को भी बाइंग करना है तो ये कंपनी प्योर मोनोपॉली है। हालांकि दोस्तों अगर फ्यूचर में आपको इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है, उसके लिए आप चाहे तो इस कंपनी को मतलब कि आप मतलब बाइंग करके चल सकते हैं। हम कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। जैसा अगर आप इस कंपनी के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों, 1150% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के दिए। इस कंपनी की खासियत यही है कि अगर आप छोटे छोटे स्पाइक देखेंगे दोस्तों, मतलब कि यहाँ पे जो स्पाइक देखने को मिल रहे हैं, कुछ दिनों तक कंसोलिडेशन फेस में जाने के बाद स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी भी देखने को मिलती है। हालांकि ये अगली तेजी कब आएगी दोस्तों, हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ स्टेक को सेल करने के बाद या कुछ मतलब न्यूज़ क्लियर हो जाए, उसके बाद इस स्टॉक में तेजी भी देखने को मिल सकती है। अगर गिरावट होती है दोस्तों, तो अभी तक का जो हमारा गिरावट का टारगेट है दोस्तों, हमने 1500 रुपये दिया है, जो कि हर वीडियो में बताता हूँ। हो सकता है कि यहाँ तक ना आए, फिर भी 1800 रुपये दोस्तों ये कंपनी आ सकती है। हालांकि तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी अगर 2500 के लेवल को तोड़ती है तो 3000 तक भी जा सकती है। अगला स्टॉक हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक को मतलब कि बहुत सारे अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात करूँ,
गिरावट होने के बाद जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, इस कंपनी मतलब कि आप कह सकते हैं कि बाइंग भी कर लेते हैं, जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो हालांकि इस कंपनी से रिलेटेड मतलब कभी भी निगेटिव मतलब न्यूज़ देखने को नहीं मिलते हैं। जैसा कि अभी फिलीपींस की बात करें तो 2200 करोड़ का हो सकता है कि आने वाले समय में डील भी हो सकता है दोस्तों, ये कोई मतलब कंपलसरी नहीं है। वहीं पर अगर मैं बहुत सारे ब्रोकर्स की बात करूँ, पता होगा कि देखिए कोई भी स्टॉक अगर अप ट्रेंड में रहता है, ये कंपनी जो है कि 52 बिकाई हाई ऑल टाइम हाई भी कंपनी अचीव करते जा रही है। तो ऐसे में अगर मैं ब्रोकर्स की बात करूं तो भी जो भी ब्रोकर्स है दोस्तों जो कि 52 बिक हाई से इस कंपनी को और भी ऊपर टारगेट बता रहे हैं, मतलब आने वाले समय ये कंपनी 3000 के लेवल को भी टच कर सकती है। जैसा अगर आप देखें तो 7 तारीख को मतलब आप कह सकते हैं मतलब कि माफ़ करना 11 दिसंबर की बात करते इसमें मतलब कि जो निफ्टी थी दोस्तों सेंसेक्स की अगर मैं बात करूँ तो एकदम ऑल टाइम हाई पे था, लगभग 70,000 के लेवल को भी क्रॉस किया था। वहीं पे कंपनी की बात करें 3% के आसपास स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिली थी। बागड़िया जी की बात करूँ जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में लगभग 2800 रुपये का जो कि अगर ये लेवल्स ब्रीच करता है दोस्तों तो आपने देखा ही है कि 3000 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। और हालांकि जो हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड में 3000 रुपये का मतलब आने वाले समय में हमेशा से ही टारगेट दे रहा हूँ। अब इस स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना, देखिए दोस्तों आप इस स्टॉक को चाहे तो बिंदास बाइंग कर सकते हैं, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, लेकिन हाँ ऐसे में खास बात की बात करें तो इसमें भी देखा है तो एक अच्छा खासा माल आप कर सकते हैं डिसेंट उठाया गया, लगभग 46% का माल डिलीवरी में उठाया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों कि मतलब 12 दिसंबर को ही कंपनी ने 2820 रुपये का ऑल टाइम हाई लगाया। तो देखिए दोस्तों जो कंपनी ऑल टाइम हाई लगाती है तो उसके ब्रोकरेज एनालिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ना कुछ मतलब कि क्या होता है, देखिए निगेटिव मार्केट में चलते रहे कोई मतलब कि उनके ऊपर असर नहीं पड़ता, लेकिन जो एक ट्रेंड की बात करें सो जिस समय मतलब जो ट्रेंड चलता रहता है तो उसमें जो निगेटिव न्यूज रहते हैं दोस्तों वो भी दब जाते हैं। हालांकि गिरावट में अगर देखा है तो निगेटिव न्यूज की भरमार लग जाती किसी भी स्टॉक में, वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूं तो वहां पे पॉजिटिव न्यूज ही ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे में जो भी रिटेस्टर इस कंपनी को बाइंग करेगा दोस्तों, मेरे पॉइंट से आज के दिन ही कंपनी ने हाई लगाया 2820 रुपए के आसपास। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं और भी हाई की बात करूँ सर मतलब देखा जाए जो भी है दोस्तों आने वाले समय ये कंपनी मतलब कि अभी तो 6000 के लेवल को भी टच करने की कोशिश कर रही है। तो आने वाले समय दोस्तों मतलब कि जो देखिए एडजस्टेड प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ तो आने वाले समय दोस्तों मतलब कि अगर इस कंपनी 3000 के लेवल को तोड़ती है तो ये आने वाले समय 5000 के लेवल को टच करेगी। हालांकि 5000 जाना कोई ईजी काम नहीं दोस्तों, बहुत सारी कंपनियों के साथ जो इस कंपनी का डील चल रहा है तो आने वाले समय दोस्तों किसी एक कंपनी के साथ कुछ डील होते हैं प्रोडक्ट की अगर कुछ क्लेरिफाई होती है दोस्तों तो हो सकता है कि स्टॉक ये 5000 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो हालांकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं क्योंकि दोस्तों इस कंपनी का जो कंपटीटर है डाटा पैटर्न देखने को मिलता है, डाटा पैटर्न जस्ट अभी भी मार्केट में आया हुआ, वहीं पर इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ये कंपनी ने लगभग आज तक 73,000% का रिटर्न बना के दे दिया। हालांकि इस कंपनी को आप चाहे तो एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक मान सकते हैं क्योंकि दोस्तों देखिए सबसे पहले अगर इस कंपनी के आप चार्ट को देखेंगे तो आपको इंफोसिस जैसा चार्ट या मतलब अदर पीएसयू सेक्टर जैसा चार्ट देखने को मिलेगा, जो भी तेजी देखने को मिल रही है अभी रिसेंट में ही देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी 200 नहीं 300 400 रुपये भी जाएगी, लेकिन हाँ इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा आपको टाइम भी देना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों अप्स एंड डाउन्स के साथ ही जाएगी। ये कंपनी करती क्या दोस्तों, सप्लायर इलेक्ट्रॉनिक जो कि इक्विपमेंट से रिलेटेड काम करती है, जो कि डिफेंस सेक्टर में से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं दोस्तों उसमें ये कंपनी काम करती है। ये कंपनी जो कि एक प्रकार से आप कर सकते हैं कि मार्केट का लीडर तो नहीं कर सकते, हालांकि अपने सेक्टर में इसके जितने कभी कंपटीटर देखने को मिलेंगे उसमें आप लीडर कर सकते हैं। इस कंपनी का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, देखिए ऑर्डर बुक सबसे पहले आप यहाँ पे एक्सपेक्टेड कर सकते हैं जो कि 20,000 करोड़ के आसपास अभी आते हुए दिख रहा है। हालांकि जो करंट ऑर्डर बुक देख रहे हो 65,000 करोड़ के आसपास, मतलब जितनी छोटी कंपनी दोस्तों उतना अच्छा मतलब कि कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी लगभग जो कि अभी तक प्लान भी किया है दोस्तों, मतलब 700 से 800 करोड़ के आसपास कंपनी कैपेक्स की बात हो रही है, जो कि रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो इतना एक्सपेंड करने के बाद लगभग 7 से 8% रेवेन्यू भी बढ़ सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बताएं, देखिए ये कोई रातों रात की बात नहीं हो रही है, इसमें बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम भी लगेगा। जैसा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी मतलब किस में काम कर रही है, लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड, मतलब देखा है तो रडार से रिलेटेड, को रोवर से रिलेटेड बहुत सारे मतलब कि देखिए कंपनी जो है कि यहाँ पे भारत जीटीपी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी कंपनी इन्वॉल्व है। हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड भी कंपनी काम कर रही है। इसरो डीआरडीओ की बात करें सो तो आप सभी लोगों को पता है कि मतलब सबसे ज़्यादा जितना एग्रेसिव होकर वो काम करेंगे दोस्तों इस कंपनी को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिखेगा। वहीं पर अगर मैं देखा जैसे मतलब कि स्पेस इलेक्ट्रॉनिक की बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर आप चाहे तो इससे रिलेटेड भी फोकस रख के चल सकते हैं। नेटवर्क की बात करें सो साइबर सिक्योरिटीज की बात करें तो ये उससे रिलेटेड भी कंपनी काम करती है। यहाँ पर अगर मैं रेलवेज और मेट्रोज की बात करूँ सो तो उसमें भी ये कंपनी काम करती है। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों, गवर्नमेंट जहाँ भी एक्शन लेगी दोस्तों, कुछ भी एक्टिविटीज़ होगी तो इस कंपनी को डायरेक्टली फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डीआरडीओ की बात करें, फॉरेन की बात करें और एकेडमिया की बात करें, सब जगह आपको इस कंपनी का नाम देखने को मिल जाएगा। मैं पार्टनरशिप की बात करूँ सो तो हिंदुस्तान एनालिटिक्स और बीएल की बात करें, भारत इलेक्ट्रॉनिक, इन्होंने दोनों मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन किया है जो कि डेवलप से रिलेटेड
को प्रोडक्शन से रिलेटेड, लॉन्ग रेंज ड्यूअल बैंड से रिलेटेड, मतलब जो कि देखा जाए तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं सर्च एंड ट्रैक सिस्टम से रिलेटेड भी ये कंपनी काम कर रही है। ये कंपनी अभी जो प्लान कर रही है, मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब दे आर प्लानिंग बिल्ड अप ए सेमी कंडक्टर चिप फैक्ट्री भी कंपनी लगाएगी। बाइंग करना है नहीं करना है, सबसे पहले दोस्तों आपसे बताना चाहता है कि देखिए अगर इस कंपनी के वाई टू डेट को देखेंगे तो लगभग कंपनी 60% का रिटर्न बना के दिए, एक साल की बात करेंगे तो 52%, वही पर अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 500% के आसपास कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। मतलब इस कंपनी की प्राइस कितनी चल रही है दोस्तों, 19-20 रुपए वाला स्टॉक लगभग 600 से 700% के ऊपर अभी तक रिटर्न बना के दिया। तो ऐसे में दोस्तों देखिए जो स्टॉक जितना फास्ट भाग रहा है इस समय, देखिए कोई भी स्टॉक मतलब 52 वीक लो या ऑल टाइम लो या एक मीडियम साइडवेज पैटर्न में, दोस्तों ऐसे ही कुछ गिने चुने स्टॉक होंगे जो कि मतलब साइडवेज पैटर्न में चल रहे हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ तो एक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर या डिफेंस सेक्टर की बात करें तो वो इस समय मतलब कि एकदम स्काई रॉकेटिंग आप कह सकते हैं कि आसमान छू रहे हैं। हालांकि दोस्तों वहीं पे इस कंपनी में गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 150 रुपये से वही 160 के आसपास चल सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो ये कंपनी जल्द से जल्द आने वाले समय 200 के लेवल को टच कर सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों।